कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये तेजी से म्यूटेट होता है और यही सबसे चिंता की बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से म्यूटेशन की वजह से ये डेल्टा, डेल्टा प्लस और बाकी वेरिएंट से खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए भारत सरकार भी इसको लेकर सतर्क हो गई है और एडवाइजरी जारी की है। आइए बताते हैं आपको इस वेरिएंट के बारे में। ये वेरिएंट कहाँ से आया है? लंदन स्थित यूसीएल जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक का कहना है कि कोरोना का ये वेरिएंट पहली बार कहाँ से आया, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। संभवतः किसी एचआईवी एड्स मरीज में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स से क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ हो। अफ्रीकी देशों में इसके कुछ मामले सामने आए हैं। ये वेरिएंट बेहद तेजी से 30 बार म्यूटेट होता है, जो ज़्यादा टेंशन की वजह है। अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में यह खतरनाक तरीके से मरीजों को अपनी जद में लेता है। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों से कहा गया है कि वो विदेश से आ रहे सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट जीनेम सिक्वेंसिंग के लिए करवाएं। रिस्क लिस्ट वाले देश की केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाई है और वहां से आ रहे यात्रियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। ये देश हैं ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, हांगकांग और इजराइल। जो लोग इन देशों से भारत आएंगे उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा और रवाना होने से 48 घंटे पहले कोविड टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि अब तक भारत में ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट से ये कितना खतरनाक है ये जानने के लिए इस पर रिसर्च की ज़रूरत है। अब तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये कोविड वैक्सीन को बेअसर करता है या नहीं। टीके के अभाव में अफ्रीकी देशों में वैक्सीनेशन की दर कम है और ये स्ट्रेन वहीं से आने की बात कही जा रही है। नए वेरिएंट के कितने केस मिले हैं? साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग, इजराइल और बेल्जियम में कुछ केस मिले हैं इसके। टीका इसके ऊपर असरदार है कि नहीं, ये पूरी तरह साफ नहीं है। फाइजर बायोनटेक ने कहा है कि इस सवाल का जवाब वो अगले 2 हफ्ते में दे सकेगी। सवाल है कि क्या फिर से उड़ानों और यात्राओं पर असर होगा? इसका जवाब है हाँ। यूनाइटेड किंगडम ने 6 अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स पर अस्थाई बैन लगा दिया है। पिछले 14 दिनों से साउथ अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों से आ रहे लोगों की एंट्री सिंगापुर ने सख्त कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी दक्षिण अफ्रीका से आ रहे लोगों की एंट्री पर नियम कड़े किए हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने अफ्रीका देशों से आ रही फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अमेरिका और कनाडा ने भी अफ्रीका से आ रहे लोगों को लेकर नियम सख्त किए हैं। बूस्टर डोज देने का वक्त आ गया। क्या क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने बताया है कि ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन ज़्यादा डरावना है। अगले 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि इस स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है। अफ्रीकी देशों के अलावा ये स्ट्रेन अब धीरे धीरे दूसरे मुल्कों में फैल रहा है। जब गगनदीप से पूछा गया कि क्या भारत सरकार को इंटरनेशनल ट्रैवल बैन कर देना चाहिए तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और ये समाधान भी नहीं है। विदेश से आ रहे लोगों की ट्रैकिंग ज़रूरी है और उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। अब वक्त आ गया है इस वेरिएंट से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाए जाए और बूस्टर डोज दिया जाए।